गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का, जिसका क्या नाम है, जुगनू और बच्चा। तो ये आपकी एक नज़्म है ना, जिसका क्या नाम है, जुगनू और बच्चा। अच्छा, आप में से किसने किसने जुगनू लिखा देखा है, ज़रा मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि जुगनू किसे कहते हैं और आप में से किसने किसने उसे देखा है। ठीक है, वीडियो का पैटर्न आपका सेम ही रहेगा। पहले हम लोग इस नज़्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर मैं बाद में आपको इस नज़्म की तशरीह भी दिखा दूँगी और क्वेश्चन आंसर्स हम लिख के ही देखेंगे, ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, साथ ही बेटा इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे अपलोड किए जा चुके हैं आपके लिए, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का इस्तेमाल किया कीजिए, ताकि आपको इजीली सारे चैप्टर मिल सके। ठीक है, और चलिए वीडियो को पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, जुगनू जो है ये एक तरह से आपका हम कह सकते हैं कीड़े मकोड़ों के अंदर आता है, इंसेक्ट होता है ये, है ना। कौन सा इंसेक्ट, जो चमकता है रात में, है ना, और ये बरसात के मौसम में ही निकलते हैं और रात में जंगलों वंगलों में, अगर आप गांव वगैरह में गएंगे, शहर में तो ये बहुत ही रेयर होगा कि कभी देखने को मिल जाए। हाँ, लेकिन अगर आप गांव में जाएं कभी तो वहाँ आपको झाड़ियों वगैरह में दिख सकते हैं ये। तो चलिए हम नज़्म को पढ़ते हैं। सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, कि वो रात अंधेरी थी बरसात की, है ना। यानी आप कहते हैं शायर साहब के, प्यारे बच्चों तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, कब की, एक रात की, और वो रात कौन सी थी, अंधेरी थी, कब की, बरसात की रात थी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जुगनू जो हैं वो बरसात की रात में ही सिर्फ आते हैं। ठीक है, चमकने से जुगनू के था एक समा, हवा पर उड़ी जैसे चिंगारियाँ। ठीक है, यानी अब जुगनू जो है वो चमक रहे हैं, आपको पता है जुगनू चमकते हैं, है ना। तो एक ऐसा समा बना हुआ था, यानी खूबसूरत मंजर था, जैसे मान लो हवा के ऊपर क्या है, चिंगारियां फूट रही हैं। ठीक है, पड़ी एक बच्चे की उन पर नजर, पकड़ ही लिया एक को दौड़कर। यानी अब वहाँ एक प्यारा सा बच्चा आप लोगों की तरह खेल रहा होगा और उसकी नजर पड़ गई जुगनू पे, और उसने क्या काम करा, जल्दी से दौड़कर एक जुगनू को पकड़ लिया। चमकदार कीड़ा जो भाया उसे, तो टोपी में झटपट छुपाया उसे। ठीक है, यानी अब वो चमकदार कीड़ा था, वो उसे भा गया। भाना हिंदी का वर्ड है, यानी अच्छा लग जाना, है ना। चमकदार कीड़ा जो भाया उसे, यानी वो जो चमकदार कीड़ा था यानी जुगनू, वो उसे क्या होने लगा, पसंद आने लगा। तो उसने क्या करा, तो टोपी में झटपट छुपाया उसे, यानी जल्दी से उसे टोपी में छुपा लिया कि कहीं ये भाग ना जाए। ठीक है, वो झमझम चमकता इधर से उधर, फिरा कोई रास्ता ना पाकर मगर। ठीक है, यानी अब क्या हुआ कि वो बेचारा चमक रहा है और इधर से उधर भाग रहा है कि शायद उसे उस टोपी से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला, किसे, जुगनू को। तो गमगीन कैदी ने ये की इल्तिजा, है ना। तो गमगीन कैदी, अब कैदी कौन है यहाँ पे, जुगनू, है ना। तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा, यानी रिक्वेस्ट की। इल्तिजा मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। उसने रिक्वेस्ट की कि छोटे शिकारी मुझे कर रिहा, है ना। रिहा मतलब क्या होता है, छोड़ देना। अब क्योंकि छोटा बच्चा है, इसलिए उसने उसे क्या कहा, छोटे शिकारी, है ना। यानी अब जुगनू ने क्या कहा कि भाई छोटे शिकारी मुझे क्या करो, इस कैद से रिहा कर दो। इल्तिजा करी उसने, रिक्वेस्ट करी। अब ये बात शुरू होती है जुगनू की। अभी तक आपको जो भी बात बताई वो शायर ने बताई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, देखिए इसने कैसे अपनी टोपी में पकड़ रखा है इसको। अब जुगनू क्या कहता है, खुदा के लिए छोड़ दे मेरी कैद के जाल तोड़ दे। अब वो क्या कहता है कि खुदा के लिए भाई मुझे छोड़ दे, है ना, मेरी कैद के जाल को तोड़ दे। यानी जिस कैद के मतलब जिस जाल में तूने मुझे कैद किया है, मुझे क्या कर दे, आज़ाद कर दे। क्योंकि देखिए बेटा, कैद रहना किसी को भी पसंद नहीं है, है ना। अब बच्चे ने उसे क्या जवाब दिया, करूँगा ना आज़ाद उसी वक्त तक, यानी उस वक्त तक तुझे आज़ाद नहीं करूँगा कि मैं देख लूँ दिन में तेरी चमक, है ना। यानी जब तक मैं दिन में तेरी चमक ना देख लूँ, यानी रात में तो तू चमक रहा है मुझे पता है, अब मैं तुझे दिन में भी देखना चाहता हूँ कि तू चमकता है या नहीं। ठीक है, और जब तक ही मैं तुझे आज़ाद नहीं करूँगा। अब जुगनू ने उसका क्या जवाब दिया, चमक मेरी दिन में न दिखोगे तुम, यानी तुम्हें मेरी चमक दिन में नहीं दिखेगी, उजाले में हो जाएगी वो तो गुम। यानी कि क्योंकि रोशनी होगी, धूप होगी, है ना, तो क्या होगी, मेरी जो चमक है वो उजाले में क्या हो जाएगी, गुम हो जाएगी, यानी तुम्हें नहीं दिखेगी। अब बच्चे ने क्या जवाब दिया, अरे छोटे कीड़े न दम दे मुझे, ठीक है ना, मतलब दम मत दे, है ना, बेहोश मत हो, कि है
तो अब बच्चा क्या कह रहा है, तो बच्चा कह रहा है अरे छोटे कीड़े न दे दम मुझे, यानी मुझे दम मत दे, है ना, मुझे चालाकी मत कर, कि है वाकफियत अभी कम मुझे, यानी मुझे अभी वाकफियत कम है, मुझे अभी अकल कम है, मुझे नहीं समझ, है ना, अभी मैं क्या करूँगा, उजाले में दिन के खुलेगा ये हाल कि इतने से कीड़े में क्या है कमाल, यानी कि अब उजाले में ही ये राज खुलेगा कि तू इतना सा जो कीड़ा है उसमें क्या कमाल है, कैसे चमक रहा है, धुआं है न शोला न गर्मी न आँच, है ना, ना तो धुआं निकल रहा है ना तू शोला है कि भाई कोई शोला जल रहा हो कोयला जल रहा हो, ना तो तेरे अंदर से गर्मी है ना कोई आँच आ रही है, चमकने की तेरी करूँगा मैं जाँच, यानी तू फिर कैसे चमक रहा है इसकी मैं क्या करूँगा जाँच करूँगा, है ना, रिसर्च करूँगा। अब जुगनू ने क्या जवाब दिया, ये कुदरत की कारीगरी है जनाब, यानी तुम क्या जांच करोगे। अब जुगनू जवाब दे रहा है कि भाई देखो ये कुदरत की कारीगरी है, अल्लाह पाक का किया हुआ है, इसकी तुम्हें जांच करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बेशक अल्लाह की कुदरत है कि ज़र्रे को चमकाए जू आफ्ताब, यानी कि ज़र्रे को ऐसे चमका दे जैसे कि सूरज चमकता है ना, सूरज के मानन चमका दे एक ज़र्रे को, ठीक है, मुझे दी है इस वास्ते ये चमक, यानी अल्लाह पाक ने मुझे इस वास्ते ये चमक दी है कि तुम देखकर मुझे जाओ ठिठक, यानी कि तुम देखकर मुझे हैरान हो जाओ, है ना, मेरा पीछा करो, है ना, तो कहते हैं लेकिन अब तुम अकल से काम करो, है ना, ना अल्लड़पन से करो पाए माल, संभाल कर चलो आदमी की सी चाल, है ना, तो कहते हैं यानी कि अब अपनी ये फालतू की बातों से ना ये बेवकूफ़ी वाले काम मत करना कि तुम मुझे कैद करके रख लोगे या कुछ इस तरह से, इंसानों जैसी चाल चलो और संभल जाओ, ठीक है। तो ये इस नज़्म को किसने लिखा है, इस्माइल मेरठी ने लिखा है। अब आपको पता है इस्माइल मेरठी बहुत अच्छे शायर हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं। अब मश्क में अगर हम बात करें तो आपके सवाल यही हैं, सबसे पहले लफ्ज़ मायने, जुगनू कहते हैं एक कीड़ा जो रात में चमकता है, समा मतलब मंजर नज़ारा, गमगीन गम में डूबा हुआ उदास, इल्तिजा मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना दरख्वास्त गुजारिश करना, दम देना मुहावरा है यानी कि धोखा देना, वाकफियत का मतलब होता है जानकारी नॉलेज। इसके बाद लिखा है कुदरत, कुदरत का मतलब होता है ताकत अल्लाह की शान, कारीगरी कहते हैं हुनरमंदी, जूं जूं के मतलब जिस तरह मानंद, है ना, आफ्ताब यानी सूरज, ठीक है, अल्लड़पन का मतलब क्या होता है नादानी, है ना, पायमाल करना पाँव से कुचल देना बर्बाद कर देना, तो वही बात है कि तुम अपनी नादानी से हमें बर्बाद मत करो और चुपचाप जाके इंसानों से काम करो। अब देखिए सवाल जवाब है या जो आपके नज़्म के मुतालिक मिसरे हैं या जुमलों में इस्तेमाल करना है या किसने कहा किससे कहा, ये सब चीज़ें हम लोग किस में देखेंगे, आंसर शीट पर देखेंगे। यहाँ लिखा है गौर करने की बात, इस नज़्म में अंधेरी रात, चमकदार कीड़ा, गमगीन कैदी, छोटे शिकारी, इतनी से कीड़े वगैरह अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इनमें पहले लफ्ज दूसरे लफ्ज की अच्छाई या बुराई जाहिर कर रहे हैं, ऐसे लफ्ज़ों को सिफत कहते हैं, ठीक है, यानी जब हमें कोई ऐसा लफ्ज जो किसी की अच्छाई या बुराई बताए उससे उसे हम क्या कहते हैं सिफत कहते हैं, ये आपको पता है ना आपको एडजेक्टिव जिसे हम बोलते हैं, जिन लफ्ज़ों की अच्छाई या बुराई जाहिर हो वो कौन से होते हैं, वो इस्म होते हैं यानी नाउन होते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए अमली काम भी दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आंसर शीट पे करके इसे देखते हैं फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए बच्चों ये आपके नज़्म के जो अशआर हैं उनकी यहाँ पे तशरीह दी गई है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सियाक व सबाक है और उसके बाद तशरीह है, तशरीह किसे कहते हैं, जो ये एक लाइन एक शेर दिया गया है उसको अपने लफ्ज़ों में बयान करना, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़रूरत है, लेकिन इसे पढ़ लीजिएगा कि अगर आपको कभी पेपर में लिखने को आ जाए तो आप लोग लिख सकें, ठीक है। मैं सबके लिए एक एक सेकेंड रोक रही हूँ, आप लोग इसे पाउज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से ये पूरी नज़्म आपकी क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है, और झींगर और बच्चा झींगर कह रही हूँ जुगनू और बच्चा आपस में क्या करते हैं बात करते रहते हैं, और आखिर में आके ये नज़्म आपकी क्या हो जाती है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अब आपके आते हैं क्या सवाल जवाब, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल जब आपको पढ़ लेते हैं जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है बेटा कि आप लोगों का सैम्पल पेपर आ गया है, मैं एक आध दिन में आप लोगों की वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं उसको, ताकि आपको पता रहे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, इस बार पैटर्न थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर होके जाइएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, बच्चे ने जुगनू को क्यों कैद किया। ठीक है, बच्चे को उड़ता हुआ जुगनू चिंगारी की तरह मालूम हो रहा था। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे मान लो चिंगारी निकल रही है। बच्चे को ये चमकता हुआ कीड़ा बहुत पसंद आया और उसने जल्दी से उसे क्या करा, चमकदार कीड़े को पकड़कर अपने टोपी में कैद कर लिया। ठीक है, अगला सवाल आपको दिया है, जुगनू ने बच्चे से क्या इल्तिजा की, यानी जुगनू ने क्या रिक्वेस्ट करी बच्चे से। तो जुगनू ने बच्चे से इल्तिजा की कि खुदा के लिए मेरी कैद के जाल को क्या कर दो, तोड़ दो और मुझे आज़ाद कर दो। ठीक है, अगला सवाल दिया है, बच्चा जुगनू को आज़ाद क्यों नहीं करना चाहता था। तो क्यों नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसकी चमक को देखना चाहता था, है ना, दिन में भी देखना चाहता था कि भाई दिन में उसकी चमक कैसी दिखेगी। ठीक है, अगला सवाल, आखिर में जुगनू ने बच्चे को क्या जवाब दिया। तो कहते हैं आखिर में जुगनू ने बच्चे को जवाब दिया कि मेरी चमक दिल के उजाले में गुम हो जाती है, इसलिए तुम दिन में मेरी चमक नहीं देख सकते। ये कैद की ये कुदरत की कारीगरी है ना, कि जर्रे को कैसे आफ्ताब की तरह चमका सकता है, सूरज बना सकता है। ठीक है, और मुझे ये चमक भी अल्लाह पाक ने ही दी है। ठीक है, आदमी की सी चाल चलने का क्या मतलब है। तो कहते हैं आदमी किसी चाल चलने का मतलब है कि अपनी अकल और समझ को काम में लाओ, है ना, बेवकूफ़ी मत करो मुझे कैद करके। ठीक है, अब ये देखिए नज़्म लिखा है कि नज़्म के मुताबिक मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो लिखा है, सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, हवा पर उड़ी जैसे चिंगारियां, है ना, चमकदार कीड़ा जो भाया उसे। ठीक है, फिर कोई रास्ता न पाया मगर, ठीक है, कि छोटे शिकारी मुझे कर रहा। ठीक है, तो ये आपके थे, इसे आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको जुमले दिए गए हैं कि लफ्ज़ों को आपको क्या करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो मैंने आप लोग से बार बार कहा है कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, बस हमें याद रखना है कि जो ये लफ्ज़ हमें दिया गया है वो हमारे जुमले में आए और जुमला बमायने हो, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी उल्टा सीधा बना दें। ठीक है, तो इस तरह से इसे आप लोग कर सकते हैं, नज़र, इल्तिजा, कैदी, आफ्ताब और शोला। तो इन सब चीज़ों को आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है, किसने कहा, किससे कहा, लिखिए। ठीक है, मेरी कैद के जाल को तोड़ दे, किसने कहा, जुगनू ने कहा, किससे, बच्चे से, है ना, कि मैं देख लूँ दिन में तेरी चमक। ये किसने कहा, बच्चे ने कहा, किससे कहा, जुगनू से कहा, है ना, उजाले में हो जाएगी वो तो गुम, है ना, यानी ये किसने कहा था, जुगनू ने कहा था, किससे, बच्चे से, कि भाई उजाले में मेरी चमक गुम हो जाएगी और तुम्हें नहीं दिखेगी, है ना, कि है वाकफियत अभी कम मुझे। ये किसने कहा था, बच्चे ने कहा था, किससे, जुगनू से, कि भाई तुम मुझे ना पट्टी मत पढ़ाओ, मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, संभल कर चलो आदमी की सी चाल, ये किसने कहा था, जुगनू ने कहा था, किससे कहा था, बच्चे से कहा था। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।